हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल, फाउंडेशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक केस कर रहे हैं जो मैंने कल ही उस केस को देखा है। तो केस क्या था कि एक 20 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट केम टू मी फॉर हर सीवियर एब्डोमिन पेन। पेशेंट अपने हस्बैंड के साथ आती है और आके बैठते हैं। उसने बताया कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, और उसमें जो उसको जो दर्द के साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि वो पेशेंट बस पेट पकड़ के, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे कभी, और जो मुंह से आवाज़ आ रही थी उसकी, जैसे कि जो जैसे बोलते हैं ना, कराहना, कराहने की आवाज़ उसको आ रही थी। इस तरीके के उसके जेस्चर पोस्चर थे, और उसने ये पेट पकड़ के रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और कभी ये जो एक्सप्रेशन है, आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इम्पोर्टेंट है। इस केस में आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और सुनना है। पेशेंट ने तो सिर्फ इतना बता दिया आपको कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट द मॉडेलिटी, तो इट वॉज नॉट वेरी क्लियर। और तो सो इन माइंड मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन ऑब्जर्वेशन वी हैव टू सिलेक्ट अ मेडिसिन। सो एंड इफ यू गो थ्रू द माइंड मेथड, यू अंडर ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पेशेंट इज रिएक्टिंग विद हिज एक्यूट सिचुएशन। सो पेशेंट क्या कर रहा था, यही कर रहा था। फिर मैंने उसको एक डोज मेडिसिन का दिया, मैंने बाहर बैठा दिया उसको कि बाहर बैठो आप। तो बाहर जाके वो लेट गई, और बस बाहर से भी मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी दूसरे चैम्बर में जाने के बावजूद, कि वो कराह रही है। ये दिस इज़ द, तो एक ये रूब्रिक बनता है ना। तो मैंने एक रूब्रिक इसके लिए लिया, मोर्निंग नोइंग पेन ड्यूरिंग, राइट, मतलब कराहना, अत्यधिक दर्द की वजह से उसको इस तरीके से जो मुंह से आवाज आती है वो कराहना कहलाता है। उसको उसको उसके लिए एक रूब्रिक होता है, मोर्निंग ग्रोनिंग पेन ड्यूरिंग। सो इसमें कम ही मेडिसिन है, 13-14 मेडिसिन है। सो एक ये रूब्रिक लिया, और दूसरा रूब्रिक जो उसके जो हाव भाव दिखे, ये जो एक देखिए आप पेशेंट क्या बोल रहा है और कैसे एक्सप्रेस करता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज था कि पेशेंट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है और कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ये दोनों मिक्सचर हो रहे थे। तो जो जो मैंने आपको एक्सप्रेशन करके बताए कि कभी ऐसे कर रहा है, कभी पेट पकड़ के इस तरीके से जेस्चर पैदा कर रहा है, ये एक एंगुइसनेस कहलाता है। एंगुइस का मतलब होता है अत्यधिक दर्द होना। अत्यधिक दर्द होने की वजह से उसके डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो ये जो अत्यधिक दर्द हो रहा है ना, उसको बोलते हैं एंगुइस स्पेशली। तो ये जो रूब्रिक है, एंगुइस पेन फ्रॉम स्पेशली एब्डोमिन पेन फ्रॉम, एंगुइसनेस एब्डोमिन पेन फ्रॉम, तो ये दो रूब्रिक लिए। और तीसरा मैंने लिया था, तीसरा लेने की कोशिश करी थी कि जैसे पेशेंट ने बताया कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो एक्स्ट्रा वेगेंस मैंने लिया था। तो एक्स्ट्रा वेगेंस में वो मेडिसिन नहीं थी, तो फिर मैंने उसको रूल आउट कर दिया, क्योंकि मैंने फिर उसे इसलिए रूल आउट भी किया क्योंकि वो सब एंग्विश में आ गया। एंग्विश अत्यधिक पीड़ा, पीड़ा अत्यधिक दर्द, तो वो मैंने उसको टोटल काउंट करके एंग्विश मैंने उसको कोरिलेट किया। तो इन दो रूब्रिक के ऊपर मेडिसिन आती कोलोसेंथ। तो उसको कोलेसेंस का एक 200 का एक डोज दिया। 2 मिनट बाद मैंने पूछा कि आपका पेन कैसा है, बोला 10% बेटर हुआ है। मैंने एक डोज 2 मिनट बाद फिर से मैंने एक डोज दिया, उसने बोला 2 मिनट बाद 50% बेटर हो गया। फिर मैंने उसको फिर से एक डोज दिया, कोलेसेंस 200 का एक डोज दिया 2 मिनट बाद। तो इन एक्यूट सिचुएशन यू कैन रिपीट वेरी फ्रिक्वेंटली। सो आई गेव तीसरा डोज देने के बाद 95% पेन बेटर हो गया। लास्ट में मैंने फिर उसको एसएल दे के छोड़ दिया। तो ये एक
इस तरीके केसेस जो एक्यूट केसेस होते हैं वो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी बहुत ही फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है जो आपको इमिडिएटली रिजल्ट देगी। मैं सोच रहा था कि उसको क्या किया जाए, तो पर मुझे बिलीव था कि कहीं, क्योंकि कई बार मैं ऐसा कर चुका हूँ, ऑन दी स्पॉट मेडिसिन काम करती है। तो इतने जल्दी कोई पेन किलर इंजेक्शन ना पेन किलर मेडिसिन भी काम नहीं करेगी जितने जल्दी आपका होम्योपैथी मेडिसिन काम करता है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू अप्रोच द केस एंड हाउ टू एब्जॉर्व ऑब्जर्व द केस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सोकोलोसिन वैसे भी एब्डोमेन पेन में बहुत ही अच्छा काम करती है, पर यदि उसका मॉडलिटी आप देखने की कोशिश करें तो बहुत प्रेशर से एमेलोरेशन होता है ना, बहुत जोर से दबा के रखो तो एमेलोरेशन होता है। बट देर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन, बट आप यदि माइंड मेथड के थ्रू जाते हैं तो बहुत लिमिटेड मेडिसिन हो जाती है। और इन दो रूब्रिक के ऊपर भी कोलोसेंस कॉफिया और एक कैल्केरिया मेडिसिन, तीन मेडिसिन थी, कॉफिया और कैल्केरिया और एक ये कोलोसेंस मेडिसिन था, राइट। तो क्या कोलोसेंस, आई वॉज श्योर कोलोसेंस वुड वर्क, और कोलोसेंस ने उसको 5 से 10 मिनट में उसका पेन बेटर कर दिया। सो इट वॉज द केस ऑफ कोलोसेंस। तो आज के लिए इतना ही, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।